क्या प्रिया ने सचमुच ऐसा किया? हाँ बेटा, डॉक्टर तो ये कह रहे थे कि प्रिया रोशनी के लिए फरिश्ता बन के आएगी। अगर प्रिया नहीं होती ना तो रोशनी की जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा था। बेटा, वी आर वेरी ग्रेटफुल, तुमने हमारी रोशनी की जान बचाई। अंकल, ये तो इंसानी फर्ज था। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया। अंकल, हमें NCC ट्रेनिंग में ही सिखाया गया था कि इंसान को हर रोज एक अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए भगवान ने मुझसे ये एक ही बड़ा काम करवा दिया। तुम भी जानती हो तुमने हम पे कितना बड़ा एहसान किया। मैं ही जानती, इसमें एहसान की क्या बात है। प्रिया, तुम हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बचाई है और इसके लिए तुम मुझसे कभी भी कुछ भी मांग सकती हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। जानती हो, शारदा बहुत खुश थी, वो तो प्रिया को अपने घर लेके जाना चाहती थी। तो तुमने क्या कहा? अरे, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमारे खास मेहमान है, मैं इसे वापस ले आई। तुम्हें, आपने बिल्कुल अच्छा किया। प्रिया हमारे घर की स्पेशल गेस्ट है और ये जब तक यहाँ चाहे रह सकती है। ये रही पेस्ट्रीज और ये रही चॉकलेट्स। बाद में बैड मैनर्स, ओके? टॉप क्वालिटी यार। आई नहीं, आजा बच्चे, इधर बैठ बैठ, तू आराम से बैठ, पर हट। देख प्रिया, जब से तू आई है ना, मैंने तेरा ख्याल ही नहीं किया। ओहो, काम में इतनी उलझी हुई थी, अब देखना मैं ही तेरा ख्याल रखूंगी। अच्छा, ये खा पेस्ट्री। जी, खा ना। अच्छा ये बता प्रिया, अमेरिका में तेरे अंकल कहाँ रहते हैं? अमेरिका? हाँ, कहाँ रहते हैं? जी जी, वो बोल ना। अरे मामा, आप बेचारी प्रिया को कंफ्यूज कर रही है। आप उसके मामा के बारे में पूछना चाह रही है क्या? चाचा के बारे में? ओहो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये बता, तेरे अंकल कैसे हैं? जी वो अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे हैं ना, तो मेरी नताशा के लिए ग्रीन कार्ड देंगे? कब आ रहे हैं वो इंडिया? वो अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक अराइविंग। तो चुप कर, उसे कुछ बोलने दे, सब कुछ तुम बोल रहे हो। हाँ बता, कब आ रहे हैं? मैं अरे प्रिया, मैं क्या कर रही हूँ? सीधे को ना बोल दो ना कि वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। हाँ? जी हाँ, वो अगले हफ्ते ही तो आ रहे हैं। अगले हफ्ते आ रहे हैं ना? हाँ, तू रुक का, मैं तेरे लिए और कुछ खाने को लाती हूँ। चल चल चल, ये लो। इसका शेडियन, ये सब क्या है? ये हमारी शेकी का नतीजा है। स्टूपिड, हम लोग चाहते हैं कि तुम मम्मी के दिल में जगह बना लो। और इस चक्कर में हमने इतनी बड़ी बड़ी हाँ की है ना कि तुम्हें अभी भुगतना पड़ेगा। दिस इज योर टेस्ट, को दैट दिस इज योर टेस्ट। क्या? हाँ, ओ माय गॉड। लेकिन अगर अगले हफ्ते तक ग्रीन कार्ड नहीं आए तो? अरे तो क्या हुआ? नो प्रॉब्लम, मम्मी है ना, वो तुम्हें ना अमेरिका डिस्पैच कर देगी ग्रीन कार्ड लाने के लिए। क्या? क्या हुआ? वही घंटी बज रही, कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो इतना चिंता क्यों करती है बेटा? तरुण किसी काम में बिजी होगा। लेकिन मम्मा, मैं 3 दिनों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है, और आज तो आंसरिंग मशीन भी नहीं लगी हुई थी। अरे तू क्यों फिक्र करती है, तू देखना 1-2 दिन में वो खुद तुझे फोन कर लेगा। कैसे फिक्र नहीं करूँ? अरे 10 दिन हो गए उन्हें गए हुए, हर दूसरे दिन फोन करने का वादा किया था उन्होंने, एक फोन नहीं आया उनका। ये पति होते ही ऐसे है, एक बार काम में लग गए ना तो उन्हें दिन दुनिया की खबर ही नहीं रहती। उन्हें यहाँ तक नहीं पता चलता कि घर में उनकी बीवी उनकी चिंता में घुल रही होगी। तरुण ऐसा नहीं कर सकते मम्मा। अगर तुझे इतनी फिक्र हो रही है तो गुड़गांव फोन करके पूछ क्यों नहीं लेती, शायद उन्हें कुछ खबर हो। करूँ? हाँ, हेलो, परिपूर्ण मम्मी जी, दीपिका बोल रही हूँ। जिंदी रहो बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मम्मी जी, आप लोग कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, तुम्हें बहुत याद करते हैं। फेमान साहब तो अफसोस कर रहे थे,
कि तुम और तरुण कुछ दिनों के लिए भी हमारे साथ नहीं रहे। अब जब तरुण लौटेगा तो तुम दोनों को साथ यहाँ आना है। जरूर मम्मी जी। मम्मी जी, तरुण का कोई फोन आया था? तरुण का? जी हाँ हाँ, अब परसों ही बात हुई थी। ठीक ठाक है। क्यों, कुछ खास बात है? नहीं मम्मी जी, मैंने तो ऐसे ही पूछा। ठीक है मम्मी जी, मैं फोन रखती हूँ, फिर करूंगी। चंगा बेटा, हमारे नमस्ते सब लोगों को कह देना। जी मम्मी जी। उन्होंने गुड़गांव फोन किया था। अब तो तसल्ली हो गई, तू तो खामखा घबरा रही थी, अब तो फिक्र दूर हो गई ना तेरी? अब तो फिक्र हट बैठी है मम्मा। अगर वो गुड़गांव फोन कर सकते हैं तो यहाँ एक फोन नहीं कर सकते। पता शीतल, अगर प्रिया नहीं होती ना तो सारा अनर्थ हो जाता। ये तो है भाभी। अरे अरे, क्या हुआ प्रिया, तुम अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? तुम कहीं यहाँ से जा तो नहीं रही हो? नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन अब राहुल वापस आ गया है तो मैं उसके रूम में कैसे रह सकती हूँ? राहुल इतना बुरा है कि तुम उसके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती हो? अंजना मजाक छोड़, ये सोच को प्रिया को शिफ्ट कहाँ करना है? अरे निहारिका के कमरे में, और कहाँ? नहीं भाभी, नताशा के कमरे में। नहीं निहारिका के कमरे में। नहीं नताशा के कमरे में। निहारिका के कमरे में? शीतल तुम तो जानती हो प्रिया के हम पे कितने एहसान है। देखो भाभी, कबीर उसे लाया था तो ये हमारी मेहमान हुई, जिम्मेदारी मेरी हुई ना। क्यों संजना? हाँ, why not? देखो भाभी, रोशनी की जान बचा के इसने आप पे उद्धार कर दिया, अब मेरे साथ रहेगी तो नताशा का उद्धार हो जाएगी। नताशा का उद्धार क्या मतलब? मतलब ये कि ये प्रिया नहीं है। ये प्रिया नहीं है तो कौन है? अमेरिका का टिकट। ओफो शीतल, तू जो कह रही है ना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, बाद में समझाऊंगी, फिलहाल उसे मेरे साथ रहने दीजिए ना प्लीज, बाद में आपके पास रह लेगी। हैं ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। थैंक यू भाभी। प्रिया नताशा के कमरे में। हाँ हाँ, चल चल जा जा जा। हमारा प्लान तो एकदम हिट है। हाँ हाँ, प्रिया ने इन दोनों को इतना खुश कर दिया है, अब बहुत ही जल्द घर वालों का दिल जीत लेगी। हाँ, और जैसे उसने घर वालों का दिल जीत लिया ना, हम सबको सच्चाई बता देंगे। ओके ओके। मामा, इनसे मिलो, ये है मेरे क्लोज फ्रेंड सैमी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीते रहो। ओ मामा, सैम को ना कार की डीलरशिप मिली है और इस नए बिजनेस में वो मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहता है। रियली? ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और एक्चुअली मामा, आज इसका बर्थडे भी है। सच? बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू। और मामा, ये तो बर्थडे सेलिब्रेट कर ही नहीं रहा था। मैंने इसे कहा तो कहने लगा कि मैं अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करूंगा, और परिवार वाले यहाँ है नहीं, तो मैंने कहा मेरे साथ चल, तेरा बर्थडे हम अपने घर पे मनाएंगे। और वैसे भी सैमी, ये परिवार तो तुम्हारा ही है ना? Am I right, mom? बिल्कुल बेटा, हम सब मिलके तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, पर बाकी सब लोग कहाँ हैं? अबे इतना उतावला क्यों हो रहा है, बुलवाते हैं अभी सबसे। इनसे मिलो पहले। ये है खुशी, मेरी बीवी। हाय। हाय। हमें लगता है हमने आपको कहीं देखा है। हो सकता है, वैसे आपका चेहरा भी। अरे यार, इनसे मिलो। ये है हमारे विक्रम चाचा की बेटी नताशा। हाय। हाय। भैया, आप हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराइएगा? एनीवे, हाय, आप उर्वशी। हाय। ये हमारे राजन चाचा की लड़की है। एनीवे, सैनी का आज बर्थडे है और हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। जाओ कुछ सबको बुला लो। ओके। अब मैं ड्रेस चेंज करके आऊं? किस लिए स्टूपिड, बाहर का थोड़ी कोई आया है। तुम दोनों मेहमान का तो लिहाज किया करो। सोनोग्राफी की अगली डेट 23 जनवरी। आज तो सामी का बर्थडे है, तो
मुझे सिर्फ धमकी दे रहा था कि अपना जन्मदिन मेरे साथ मनाएगा। उदास क्यों हो गई? क्या तुम सैमी के साथ उसका जन्मदिन मनाना चाहती थी? नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा हमारे साथ चलो। कहाँ? बाहर हॉल में। विशाल के बिजनेस पार्टनर आए हुए हैं और हम तुम्हें उनसे मिलवाना चाहते हैं। क्यों क्यों? ये तो हम विशाल से पूछना भूल ही गए। और तुम भी ना कितने सवाल पूछती हो। ऐसा करते हैं बाहर चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं। लेकिन हे भगवान, चलो चलो। सैमी, ये है विक्रम चाचा और चाची। अरे ये है विशाल के बिजनेस पार्टनर सैमी। नमस्ते। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? Come on, buddy boy. केक काटे हैं? अरे ये सब क्यों? Why not? Yes, come on. Yeah. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sammy. Happy birthday to you. Thank you. Thank you all of you. और इस बार मैंने अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाने का फैसला किया। मैंने अपना वादा पूरा किया। रक्षा चाची, क्या मैं ये अपनी बर्थडे केक का पहला पीस आपकी बहू को खिला सकता हूं? मगर क्यों? क्योंकि क्योंकि इस नाम से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मैं भी एक श्रुति को जानता था। इस बात की मुझे खुशी है कि आपके परिवार में भी इस नाम का कोई है। यहां आके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने परिवार में आया। अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। Happy birthday to me। ये कितने कमाल की बात है ना कि हमारे घर में भी कोई है जिसका नाम श्रुति है। Come on, खुशी, इसमें कमाल की क्या बात है? श्रुति इज अ वेरी कॉमन नेम। लेकिन हाँ, जो हमारी दोस्त है ना जिसका नाम श्रुति है, वो बड़ी कमाल की है। है ना? है ना? अरे इसे क्या हो गया? क्या बात है श्रुति, तू इतनी गुमसुम क्यों है? हाँ ठीक था। क्या ठीक है? तुम दोनों ने अभी मुझसे पूछा ना केक कैसा था। ठीक था। लो सुना तूने? इसने तो ये भी नहीं सुना कि मैंने इसे क्या पूछा है। सॉरी, फिर से बता। मैं कह रही थी कि चल फॉरगेट इट, है ना? अब मैडम तुम्हें क्या हो गया है? संजना, हमें ऐसा लगता है जैसे हमने सैमी को पहले कहीं देखा है, शायद किसी फोटोग्राफ में या यू नो। खुशी, यू एब्सोल्युटली राइट। पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने ये सैमी को कहीं पे देखा है। मैं अभी आई। हाँ कर ही दिया। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
तुषार को ऐसे मुझ पर शक हो गया, अगर उन्हें यह हकीकत मालूम पड़ गई तो? नहीं नहीं श्रुति, तुम यहाँ हो, चलो बाहर चलो, सैमी वापस जा रहा है और तुमसे मिलना चाहता है। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हम्म, ये क्या तुम रो रही थी? श्रुति पेट में दर्द हो रहा है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, पिछले हफ्ते हमारे भी पेट में दर्द हो रहा था। हाँ कुछ देर पहले मेरे पेट में दर्द हो रहा था, अब ठीक है। अच्छा तो फिर तुम आराम करो, हम सैनी को यहाँ भेज देते हैं। सॉरी वो श्रुति नहीं आ सकती, वो आराम कर रही है। Anyway, सैमी, तुम्हारे बर्थडे पार्टी तो स्पेशल रही हाँ? अगर तुम नहीं होते तो सुपर फ्लॉप हो जाती। Come on यार, don't be formal हाँ? अच्छा बाय द वे सुबह तो कल मिल रहे हैं ना? Exact 11। जब भी फुर्सत मिले ना चले आना, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। जी आंटी जी जरूर आऊंगा, और फिर आप लोग तो अब मेरी बर्थडे फैमिली हो गए। विशाल कैन आई यूज योर लू? श्योर व्हाई नॉट, गो स्ट्रेट टेक अ राइट। या मैं ढूंढ लूंगा। क्यों दिस गुड हां, पार्टी वाज एंजॉय। श्रुति सामी, सामी, तुम चले गए थे ना? तुमसे मिले बगैर कैसे जा सकता था? सामी तुम यहाँ से चले जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, प्लीज तुम यहाँ पर से जाओ, मुझे बीती बातों से कुछ लेना देना नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मेरे पास तो सिर्फ मेरा अतीत ही है और वही तो मेरी जिंदगी है, मेरे अतीत पर ही तो मेरे वर्तमान और भविष्य की बुनियाद खड़ी है। जब तक मैं अपने अतीत के आईने से मैल नहीं हटाऊंगा तब तक मेरा वर्तमान साफ नजर आएगा। सामी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। नहीं श्रुति, हमारे बीच जो रिश्ता है वो सिर्फ तुम्हारे कहने पर से टूट नहीं जाएगा, हमारे बीच रिश्ता था है और रहेगा। सामी प्लीज, प्लीज मेरे घर में तमाशा मत करो, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। सामी अग्रीड, ओके तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर से एक वादा करो, इस घर के बाहर तुम मुझसे मिलने आओगी? कभी नहीं। तो फिर मैं तुमसे बात कैसे कर पाऊंगा? सामी जो तुमने किया है उसके बाद बात करने लायक कुछ बचा भी है? सामी देखो कोई आ रहा है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पर देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ सामी, प्लीज जाओ यहाँ से। फिर मिलेंगे। अरे आप,